तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग छितकुल पहुंचने वाले हैं। यहां से आगे सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता और बचता है। तो यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं छितकुल एल्टीट्यूड है यहां का 11,320 फीट, इंडिया लास्ट विलेज। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूं अभी मैं, क्योंकि अभी मैं खुद यहां पर काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूं, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से शिमला था तो मुझे भी ऐसा सारा लोकेशन देखने का ना बहुत ज़्यादा मन था। और जो नीचे का व्यू है वो भी आप लोग चेकआउट कर लो। यहाँ पर पहले काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ आई है पिछले 2 दिन में। और ये जो ऊपर आपको पहाड़ दिख रहा है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में अभी बताया था आपको कि चरंग से होते हुए जो राउंड ट्रिप किया जाता है वो वहाँ से होकर वापस आते हैं। बाकी आप लोग व्यू देख लो यहाँ से। और ये जो सामने आपको प्लेन सा एरिया दिख रहा है, ये है छितकुल विलेज। तो वहाँ पर अभी हम पहुँचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं आप लोगों को काफ़ी सारे खूबसूरत नज़ारे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं छितकुल, और ये जो पूरा व्यू देख पा रहे हैं आप, ये है छितकुल। और तो अभी हम जा रहे हैं आगे बाज़ार की तरफ, और वहीं से होकर हम अंदर की तरफ जाएंगे विलेज की तरफ, और विलेज के भी काफ़ी सारे नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। बाकी अभी आप लोग फ़िलहाल ये नज़ारे देख लो। यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा स्नो नहीं आई है कि हम बोल पाए कि आपको कि काफ़ी ज़्यादा स्नो है, फ़िलहाल नॉर्मल स्नो है अभी। तो ये जा रहे हैं अब हम हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे पर। तो ये पहुँच चुके हैं हम आखिरी ढाबे में, आखिरी ढाबा। हेलो नेगी साहब, कैसे हो? बढ़िया, फिट हूँ। कैसे हो आप लोग? मैं भी बढ़िया। तो तो कितने साल से कर रहे हैं आप ये काम? मैं 1999 से कर रहा हूँ। 1999 से आप हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा चला रहे हैं? अच्छा, तो आपको मतलब कैसा काम, कैसा चल रहा है आपका इधर? ठीक है, बस चला हुआ है काम। तो पूरा भारत के भाई बहन सारे आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप मतलब काफी भारत के मेरे पास भाई बहन बेटियां सारे आ जाते हैं, मतलब इंडिया के मैक्सिमम जगह के लोगों से आप मिलते हैं। छोड़ के अपना बाहर देश के भाई बहन भी आते हैं। हाँ जी, इजराइल से भी आते हैं, सिडनी से आते हैं, पूरा भारत के आते हैं। अच्छा, तो सबसे मिलते तो आपको मतलब कैसा लगता है उनसे सबसे? मेरे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो पहले पूरा दुनिया देखा था, अब दुनिया मैं खुद यहाँ देखता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो काफ़ी अच्छा लगा हमारे को भी आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आप लोगों को। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू जी। तो ये वाला रास्ता जाता है विलेज की तरफ, और ये जो ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं वो है मंदिर वाला एरिया। तो वहाँ तो अभी हम जाएंगे, फ़िलहाल अभी आप लोग ये वाला नज़ारा देख लो। ये सारे यहाँ पर आपको जो भी दिख रहे हैं ना, ये सारे होटल्स हैं। यहाँ पर आप लोग नाइट स्टे कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो आप। बढ़िया जी, बढ़िया। आप सुनाओ जी, ठीक ठाक है? हाँ जी, बढ़िया जी। कहाँ से आप? मंडी। मंडी, मंडी में कहाँ से? मंडी सरकार। अच्छा, हेलो, ठीक है। मैं इधर किन्नौर से ही हूँ। किन्नौर से? हाँ जी, दीपू नेगी के नाम से मेरा चैनल यूट्यूब पे। दीपू नेगी के नाम? दीपू नेगी। हाँ जी, okay. चलो ठीक है जी, करो सब्सक्राइब, वीडियो देखो। ओके okay. okay जी। और ये जो देख रहे हो ना आप यार, इसको उर्ती कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में, बाकी मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। ये काफ़ी पुराने टाइम पर हुआ करता था, अभी तो ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं होता है। बाकी व्यू देखो यार, बर्फ चारों ओर और काफी अच्छा नजारा है। तो अभी मैंने आप सभी को मेरे लेफ्ट साइड का नज़ारा दिखा दिया, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो ज़्यादातर आपको होटल्स ही देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे राइट साइड, तो राइट साइड का कुछ नज़ारा है ऐसा। और यहाँ है सारे विलेज, मतलब सारे विलेजर्स जो है कि इस साइड ही रहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इंटरेक्ट होने की कोशिश करते हैं इनसे। तो यहाँ पर जो लाइफ है ना, वो सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यार। ये देख लो, ये जो
आपको दिख रही है ना लकड़ियाँ, ये रखी गई है सर्दियों के लिए खास कर, मेन पर्पज़ यही है। और ये देख लो घर कितने पुराने पुराने घर है यहाँ पर। और ये यहाँ पर भेड़ बकरियाँ भी है काफ़ी सारी। हेलो हेलो, बाय 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 बाय। और छोटे भाई क्या हाल चाल है? ठीक है। आप कहाँ चले? मैं ऊपर जा रहा हूँ यार। हाँ। तुम कहाँ चले? आप कहाँ चले? मैं ऊपर गांव की तरफ। चल गांव घुमाएगा मेरे को। हाँ। हैं? कहाँ गांव? इधर अंदर को मंदिर जाना है। हाँ चलो। इधर है? उधर है। इधर को क्या है? गांव है यहाँ, मंदिर है। ऐसे ही जाएंगे ना घूम के यहाँ से? नहीं यार यहीं से जाएंगे यार, यहीं से चल, यहीं से चलते हैं। तो काफ़ी सारे पुराने घर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और बिल्कुल पहाड़ों के नीचे एकदम सुकून वाला दृश्य है। और ये देखो यहाँ पर बैल भी है, काफ़ी सारे बकरियाँ हैं, तो इनसे तो बच के रहना पड़ेगा। मारते तो नहीं है ये? रुको एक बार इनका तो ले लूँ, इनका फोटो तो ले लूँ। तो ये हमारे को जो भी चारों तरफ चीज़ें देखने को मिल रही है ना, वो है सारे पुराने घर देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये जो कलाकारी की है ना यार, सुपर। एक लाइक बनता है इसके लिए, और एक लाइक ये हमारे को छोटे उस्ताद भी देंगे। और ये हम अब थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएंगे। हाँ सब चीज़ घुमाओ। ये भी काफ़ी पुराना लग रहा है हमारे को। हाँ। कब का है ये? बड़ा पुराना है। तो यहाँ पर ये देखो टूरिस्टों के हाल, चलना बड़ा मुश्किल है। और ये जितने सारे ऊर्जा दिख रही है ना आपको, ये सब के सब काफी पुराने हैं। ये देखो दोस्तों कितने पुराने पुराने घर हैं यहाँ पर। और बर्फ देखो कितनी है। कब इतर की? दो दिन पहले आया ये बर्फ? उससे पहले नहीं आया था, कल और परसों ही आया। ये यहाँ पर कितने पुराने पुराने घर हैं। हाँ ये है सबसे तो पुराना है ना। कितना पुराना है ये बकरी? बहुत पहले का होगा, 2000 का होगा है ना, 2000 का। ये भी मंदिर, ये भी 2019 का है। कौन सा वाला है? 19 का ये वाला? ये क्या नया बनाया था 2019 में? पर लग तो पुराना रहा है ये। अच्छा ये भी काफी पुराना है। तो यहाँ से नीचे का व्यू देख लो यार, तो छितकुल विलेज का व्यू ना, वैसे सारे नीचे से दिखाते लेकिन हम ना ऊपर से नीचे का व्यू दिखा रहे यार। तो देखो आप लोग क्या ही अल्टीमेट नजारा है यहाँ का, इसको जो बोला जाता है। और देखो इसको क्या ही खतरनाक है। यक्षा भी दिखाओ। ये मारता है? तो क्या? नहीं। जो है मारता है। देखिए यहाँ पर। हेलो कर लो।
तो दोस्तों ये वैरायटी देखो यार, कितना मोटा वैरायटी है। सब कुछ चेक करके बेचता है, सब कुछ चेक करके बेचता है कौन क्या क्या है, कितना डाइट ले रहा है। चलो 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 यहाँ से निकलो, चलो दिखाओ। चलो 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 फिर यक्ता भी देखेंगे। कलर किया है, तो गाइज आप लोग ना यहाँ पर ठंड का अंदाजा कर लो यार। यहाँ देखो बहता हुआ पानी यहाँ पर भी जम जाता है, इतना ज्यादा ठंड है। सुबह शाम कितना ठंड होता है भाऊ, बहुत आग सेकना पड़ता होना है ना सुबह शाम। नहीं अब इधर से डायरेक्ट जाएंगे नीचे के लिए। जाएंगे सीधा यार, ये चीज यहाँ पर ना काफी ज्यादा मेरे को कॉमन देखने को मिल रहा है चितकुल में, क्योंकि ये पहले होता था काफी पहले अपने बुआ गांव में भी होता था, लेकिन वहाँ पर जो है ना बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ चितकुल में ना बहुत ज्यादा है। जमाने का है क्यों, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर चितकुल विलेज में एक्सप्लोर करके, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली ना जो हमने बहुत पहले देखी थी, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो पुरानी याद है ना उसको सजो के रखा है। और ये है स्कूल यहाँ का, कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें, पहली से पांचवी तक। ये ताला देखो दोस्तों, ये जो ताला है ना ये काफ़ी पुराना ताला है, ये बहुत पुराना ताला है। और एक और है यहाँ पर, ये भी देखो, तो ये हम वापस आ चुके हैं बस स्टैंड, चितकुल बस स्टैंड में, और यहाँ पर टूरिस्टों की भीड़ देख सकते हैं आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो आप लोग भी अगर यहाँ पर आना है ना यार तो आ जाओ यार, क्योंकि ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ देखो ये है टूरिस्टों के काफ़ी मज़े। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आजकल आते हैं सर्दियों में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो होती है और बहुत जल्दी स्नो आती है, तो यहाँ पर इतनी हाइट में आके ना काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया जाता है। और ये नीचे की तरफ देख लो, हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे में फुल एंजॉय किया जा रहा है। और ये गाड़ियों की पार्किंग देख लो ना आप, इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। बाकी मुझे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख के जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारे किन्नौर में भी इतने अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस है कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ये देखो आप नंबर देख लो, यहाँ पर यूपी नंबर की गाड़ी है, चंडीगढ़ नंबर की कार है, HR नंबर की गाड़ी है, तो मतलब आपको हर कहीं के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे।
दोस्तों ये जो आप नज़ारा देख पा रहे हैं ये है चितकुल विलेज, और ये हम आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं चितकुल विलेज का। ये नीचे से लेकर ऊपर तक जितना भी एरिया है ये पूरा है चितकुल विलेज का एरिया, और क्या ही अल्टीमेट नज़ारा है यहाँ का। और ये देख सकते हैं आप लोग, मतलब यहाँ पर भी ना काफ़ी ज़्यादा एरिया प्लेन प्लेन है, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आके, और मेरा मन है कि यहाँ पर जब एक बार और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ आए ना, कि मेरे घुटने तक बर्फ़ हो, तो मैं यहाँ पर आ पाऊँ एक बार फिर से। तो दोस्तों आप सभी को मेरा ये चितकुल विलेज टूर वाला वीडियो कैसा लगा मुझे बताना कमेंट करके, और स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे हम छोटे उस्ताद को। हेलो मिलाओ आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे को यहाँ घुमाने के लिए।